दोस्तों नमस्कार, मैं आशुष शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया रोचक विषय लेकर। आज का विषय है कि भक्त जब भगवान की पूजा करते हैं तो उनके करने से और मानव जाति का भला करने से दोनों से क्या फल मिलता है। तो आइए एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने वाले भगवान हमेशा उनके साथ रहता है। कभी कभी भगवान खुद अपने भक्त की परीक्षा लेता है और जानने की कोशिश करता है कि भक्त कितना उनके करीब है और किस तरह से परम पिता परमेश्वर द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहा है। एक समय मोची का काम करने वाले एक व्यक्ति को भगवान ने सपना दिया और कहा, कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊंगा। मोची की दुकान काफी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफी सीमित थी। खाना खाने के बर्तन भी थोड़े से ही थे। इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से खुश रहता था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था वो। इसलिए भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। मोची ने सुबह उठते ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ कर वह भगवान का इंतजार करने लगा। सुबह से बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाली बारिश के पानी में भीगकर ठिठुर रही है। मोची को उस पर बड़ी दया आई। भगवान के लिए लाए गए दूध से उसको उसने चाय बनाकर पिलाई। दिन गुजरने लगा। दोपहर 12 बजे एक महिला एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, पीने के लिए इसे दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के करीब 4 बज गए। मोची दिन भर बड़ी बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था वो आया और बोला, मैं भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए उसको सारी मिठाई दे दी। इस तरह से सारा दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वह भगवान को उलाहना देते हुए बोला, वारे वारे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतजार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही तुझे बेवकूफ बनाने के लिए मिला था? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में भी पास हुआ है, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य इंसान की अपेक्षाओं से बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूर या ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी मदद की जरूरत है उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। तो अगर आपको ईश्वर ने इतना सामर्थ्यवान बनाया है, शरीर से, मन से या फिर धन से, तीनों से आप मानव जाति की सेवा करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। फिर मिलूंगा एक नए रोचक विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।